परिवर्तन के मुद्दे पर इस वक्त बहस हो रही है लोकसभा में। का मुसलमान या ईसाई ने राजस्थान और बंबई में रहने वाले गरीब दलितों को थूक के फेंकने पर पाबंदी की थी तो वो मुसलमान नहीं था, हिंदुस्तान का कोई पैसे वाला हिंदू ही था। जब चलने पर झाड़ू दिया जाता था, जब गरीब और दलितों को हिंदुस्तान में चलने की आजादी और घोड़े पर बैठने की आजादी नहीं थी, आज भी राजस्थान उड़ीसा और कई जगहों पर मंदिर में प्रवेश करने की गरीबों को आजादी नहीं है। जिस हिंदुस्तान में पीएल पुनिया चेयरमैन को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, ताला लगा करके पंडित भाग जाते हैं, उस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में गरीबों को राज महाराजा और जमींदारों के सामने घोड़ा पर बैठने और अपने शादी में पगड़ी पहनने की इजाजत ना दी जाती हो, वहां हिंदुत्व की बात करने का मुंह इस आपको नहीं है। जिस हिंदुस्तान की बात करते हैं, मैं आना चाहता हूं। आज भी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार जो लोग कहते हैं, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2000 दलित अभी भी सिर्फ आडंबर और कर्मकांड के चलते हमारे ही तंग सताए गए लोगों के चलते बदलाव कर लिया। मैं एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं अभी ही कहना चाहता हूं, अभी आप एक बात जान लीजिए, बौद्ध धर्म को 9 लाख एक दिन में जो दलितों ने स्वीकार किया, क्या ईसाई और मुसलमानों के तंग करने के कारण या इसी भौतिकवादी और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कुसंग शक्ति पर, अडंबर और कर्मकांड पर चोट करने के कारण उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था इसी हिंदुस्तान में। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत गर्व से, मैं सम्मान करता हूं, देश चलाने के लिए आप आए, लेकिन आप के कथनी करनी में फर्क क्यों है? आपने शुरू से, आप देखिए, लव जिहाद, लव किस, आप सवाल देखते चलिए अध्यक्ष महोदय, इस देश में 6000, आप कहते हैं 650 से 700 दंगा हुआ, मेरठ में दंगाइयों को आप सम्मान करते हैं और मंत्री बनाते हैं, आप पाकिस्तान भगाने वाले को मंत्री बनाते हैं, आप क्या सम्मान करते हैं? आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। आपका कल टीवी पर सभापति महोदय 3 चैनल पर इंडिया टीवी, आज तक, IBN क्या दिया है? साध्या सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं कृष्ण से बड़ा कोई हिंदू, जादव से बड़ा कोई हिंदू संस्कृति जो गरीबों के लिए मरने वाला व्यक्ति होगा, मैं गर्व से कहता हूं कि क्या कहा कि ये राजपाट मेरा है, जिस तरीके से तुम गए हो खून की नदियां बहा देंगे, यदि तुम लौट के नहीं आओगे तो हम एक एक करके चुन चुन के मारेंगे, हिंदुस्तान में तुमको वापस आना पड़ेगा, ये टीवी पर कहा गया। तब मैंने नोटिस दी, मुझे नोटिस देने का कोई मतलब नहीं था, मैंने ये नहीं देखा कि कौन क्या बोलता है। इसीलिए वेंकैया नायडू साहब, मैं सम्मान करता हूँ आपका, मैं किसी दल को गाली देने नहीं, लेकिन देश बचेगा। नहीं सभापति महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा अध्यक्ष, अब एक मिनट सभापति महोदय, सिर्फ एक बात कि नेहरू जी और गांधी ने कहा था, जाति और धर्म के रक्त रंजित जब तक होगा, जब तक गरीब का सम्मान नहीं होगा और जब तक नक्सलवाद का बढ़ावा भूख के चलते होगा, तब तक हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। जात और धर्म के नाम पर जब तक आप रक्त रंजित करोगे, तब तक हिंदुस्तान का सम्मान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान को